नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल एक बार फिर से रिकॉर्डिंग अजमेर में आपका हार्दिक स्वागत करते हुए अपने नवीनतम प्रश्न एवं उत्तर पर एक नजर ऑडियो संख्या 38 लेकर हाजिर। जी हां, आज का मेरा पहला प्रश्न है आपके सामने। किस देश के राष्ट्रपति ने अपने देश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के नाम बदल दिए हैं? जी हां, आंसर होगा इसका संयुक्त अरब अमीरात। देश के राष्ट्रपति जी ने अपने देश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के नाम बदल दिए हैं। अगला प्रश्न है, किस बैडमिंटन खिलाड़ी को भारतीय खेल प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त किया गया है? जी हां, इसका आंसर होगा ज्वाला कुट्टा। अगला है, भारतीय शहरों में रहन सहन मानकों के संदर्भ में कौन सा शहर तीसरी साल भी बेहतरीन शहर के रूप में उभर कर आया है? जी हां, इसका उत्तर होगा हैदराबाद। अगला है, मार्च अक्टूबर 2017 तक किस देश में भारत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? जी हां दोस्तों, इसका उत्तर होगा उक्रेन। उक्रेन देश में भारत महोत्सव का आयोजन मार्च से अक्टूबर 2017 तक आयोजित किया जा रहा है। अगला है, 16 मार्च 2017 को किन्होंने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग यानी कि एनसीसी के नए अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है? जी हां, इसका उत्तर होगा केंद्र सरकार के द्वारा नव नियुक्त मनरवाल जी भाई जाला ने नए अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। अगला है, किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में पंच निर्णय तंत्र संस्थाकरण की समीक्षा के लिए समिति गठित की गई है? जी हां, न्यायाधीश हैं बीएस कृष्णा, जिनकी अध्यक्षता में पंच निर्णय तंत्र यानी कि संस्थाकरण की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है। यहां अगला प्रश्न है मेरा, मानव तस्करी रोकथाम संरक्षक एवं पुनर्वास विधि अधिनियम 2017 में एक बालक को किस प्रकार परिभाषित करता है? यह प्रश्न दोबारा देख लीजिएगा, थोड़ा बड़ा है। मानव तस्करी रोकथाम संरक्षक एवं पुनर्वास विधेयक अधिनियम 2017 में एक बालक को किस प्रकार परिभाषित करता है? जी हां, इसका उत्तर होगा एक व्यक्ति के रूप में जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, एक बालक को इस प्रकार ये परिभाषित करता है। अगला है, किस पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष ने आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? यह इसका आंसर होगा शशांत मनोहर। अगला है प्रश्न, कैबिनेट ने कितने केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए मंजूरी दी है? यहां इसका आंसर होगा कैबिनेट ने 50 केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है। अगला है, सरकार ने कितने पीएसयू बैंकों को बाजार से 950 करोड़ रुपए की 950 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी प्रदान की है? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को फिर से सुन लीजिएगा। सरकार ने कितने पीएसयू बैंकों को बाजार से 950 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी प्रदान की है? यह इसका आंसर होगा दोस्तों, 5 पीएसयू बैंकों को बाजार से 950 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी प्रदान की है। अगला है,
शत्रु संपत्ति संशोधन बिल पास किया गया है, इस बिल के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? जी हां, इसका आंसर में दोस्तों दो प्रकार के तथ्य दिए गए हैं। सबसे पहला तथ्य है कि इस बिल के पास हो जाने पर राजा महमूदाबाद समेत लगभग 1 करोड़ रुपए की शत्रु संपत्ति पर उत्तराधिकार की दावेदारी समाप्त हो जाएगी। जी हां दोस्तों, इसका दूसरा तथ्य है कि शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के संशोधन विधेयक 2016 के अंतर्गत वो संपत्ति आती है जिसका रखरखाव, मालिक या प्रबंधन कोई दुश्मन देश या दुश्मन देश का नागरिक या दुश्मन देश की कंपनी द्वारा किया जाता हो। अगला प्रश्न है, लोकसभा में फुटवेयर डिजाइन विकास विधेयक 2017 पेश किया गया है, इस संबंध में कौन सा तथ्य सही है? जी हां दोस्तों, इसके बारे में 3 तथ्य दिए गए हैं, 1x1 पेश करने की कोशिश करता हूं। पहला है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में फुटवेयर डिजाइन और विकास संस्थान विधेयक 2017 पेश किया। जी हां, इसका दूसरा तथ्य है कि विधेयक में फुटवेयर डिजाइन विकास संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। तीसरा तथ्य दिया गया है, इससे पहले वाले तथ्य से जुड़ा हुआ है, कि इसके साथ ही विधेयक की मदद से फुटवेयर और चमड़ा उद्योग की डिजाइन से संबंधित सभी शाखाओं में शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता में उत्कृष्ट संवर्धन एवं विकास किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आपके सामने जाते जाते अलविदा कहने से पूर्व आपको आपके लिए एक प्रश्न रख देता हूं, पंजाब का मुख्यमंत्री नवनियुक्त कौन है? मणिपुर और गोवा, इन तीनों राज्य के मुख्यमंत्रियों के नाम आपको बताने हैं। दोस्तों मेरे पर्सनल चैट पर ही आपको जवाब देने हैं। मेरे पर्सनल चैट है 7340390351।